हेलो एंड वेलकम टू डेली एक्सप्रेस। दोस्तों, सीरियल अनुपमा में अब आएगा सबसे बड़ा तूफान, जब होगी स्वीटी की वापसी। जी हाँ, फिलहाल चल रहा है शो में बहुत बड़ा ड्रामा, जहाँ पर अनुपमा पर भी इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। लेकिन अब आने वाली है स्वीटी और आकर खोलने वाली है पोल असली गुनहगार की। बताने वाली है वो सच जो उसने सहा, और अपनी माँ अनुपमा के पैरों में गिरकर मांगने वाली है माफ़ी। क्या कुछ होने वाला है और कैसे होने वाला है, चलिए हम आपको पूरी खबर हमारी इस रिपोर्ट में बताएंगे। लेकिन अगर नहीं किया है अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब, आप ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी आप ज़रूर दबा दें। दोस्तों, सीरियल अनुपमा में अब बहुत ही बड़ा ट्विस्ट आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर होने वाली है अब शो में स्वीटी की वापसी। जो स्वीटी अभी तक गायब है, जिसके पीछे अधिक को पुलिस ने पकड़ भी लिया, अब आएगी स्वीटी शो में वापस और अनुपमा के ऊपर जो उंगलियां उठ रही हैं उनको भी दबा देगी। जी हाँ, आपको बता दें कि स्वीटी की वापसी के साथ शो में सबसे बड़ा राज खुलेगा। स्वीटी आकर बताने वाली है कि किस तरीके से अधिक और उसके बीच में लड़ाई हो गई थी जब अनुपमा और अनुज घर से निकल गए थे, और इसी दौरान फिर से अधिक ने उसको मारा था। अधिक ने उसको बेल्टों से मारा था गुस्से में आकर, और उसको हरास किया था। और जब स्वीटी ने यहाँ पर बोला कि अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं बड़ी को और मम्मी को बताऊंगी और मैं उनसे बोलूंगी कि तुम्हारे खिलाफ़ स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन लें, तो ऐसे में वो डर गया और उसने स्वीटी को एक कमरे में बंद कर दिया था जो कि घर से बहुत दूर था। लेकिन किसी तरीके से स्वीटी वहां से निकल पाई और आकर वो ये सारी बात घर वालों को बताने वाली है। अब यहां पर जो वनराज अभी तक अनुपमा के ऊपर उंगली उठा रहा था, वो फिर से अनुपमा से माफ़ी मांगने वाला है और कहने वाला है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, जो मैंने तुमको गलत समझा। और ऐसे में अब अनुज जो है वो अधिक को बड़ी सज़ा दिलवाएगा और कोशिश करेगा कि उसको जल्दी से जेल से बाहर आने का मौका ना मिले। दोस्तों, कितने एक्साइटेड हैं आप इस ट्विस्ट को देखने के लिए, हमें कमेंट्स में आप ज़रूर लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना आप ना भूलें।